नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। किसी भी देश को ताकतवर बनाने में टेक्नोलॉजी का अहम रोल होता है, इसलिए भारत हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाता है। आज ही के दिन देश में तकनीक क्रांति आई थी। इतिहास में ये तारीख इसलिए अहम है क्योंकि इसी दिन भारत ने 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। ये दिन देश की तकनीकी क्रांति के लिए याद किया जाता है। इसके अलावा भारत ने आज ही के दिन ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को भी सफलतापूर्वक पूरा किया था। भारत ने परमाणु टेस्ट को खुफिया तरीके से करने का फैसला किया था, लेकिन 1995 में अमेरिका के जासूसों ने इसका पता लगा लिया था। दबाव की वजह से भारत को ये परीक्षण रोकना पड़ा था। दूसरी तरफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने परीक्षण करने का मन बना लिया था। इसके बाद कलाम और उनकी टीम ने परीक्षण स्थल का कई बार दौरा किया, साथ ही वो सैन्य अधिकारी के रूप में करीब एक महीने तक उसी जगह पर रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने 1998 में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया। इस टेस्ट के तहत 5 विस्फोट किए गए थे जिनकी भनक किसी को नहीं लगी। भारत ने 11 मई 1998 की सुबह थार के रेगिस्तान में पोखरण के खेतोलाई गांव के पास ये परीक्षण किया। व्हाइट हाउस नाम से बनाए गए शाफ्ट में धमाका हुआ। खास बात यह है कि 58 किलो टन क्षमता वाला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय से 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।